और उस समय मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था। वो आए हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर पर पहले हरा बत्ती जल रहा था, बाद में लाल बत्ती जलने लगा और फायरिंग शुरू हो गई। उस फायरिंग में बहुत से कार सेवक मारे गए, हमारे पिताजी को भी गोली लगी थी। आप अपना एक तो नाम बताइएगा, और आपके पिताजी यहाँ थे, ये आपकी दुकान है क्या जहाँ पे वो चाय या मीठे की दुकान थी? किसकी दुकान थी? ये हमारे पिताजी की दुकान थी, यहाँ पर मीठे की दुकान थी, मिठाई उठाई थी, चाय भी की दुकान थी। अच्छा, आपका नाम बताइएगा मुझे। संदीप कुमार गुप्ता। संदीप जी, आपके पिताजी, आप कितने छोटे थे जब आपके पिताजी चले गए थे इस पूरे आंदोलन में? उस समय 5 साल के थे, और हमारे पिताजी उस समय विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों ने आह्वान पर 30 अक्टूबर को वहां का सेवा होने का वाला था। जगह जगह बाहर से लोग आ रहे थे, और उस समय मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था, और तब भी कर्फ्यू को बचाते बचाते सब हजारों कार सेवक यहाँ पर आ गए थे। पिताजी भी हमारे यहाँ पर सभी कार सेवकों को तैयार किए थे, अपने साथ में जत्था लेकर पूरे। पहले तो उस दिन एकादशी का दिन था और परिक्रमा करने गए, परिक्रमा नहीं करने दिया गया। उसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि गए, वहाँ पर बहुत सारे कार सेवक पहुँच गए थे और वहाँ पर झंडा उंडा फहराए। इतने में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो आए हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर पर पहले हरा बत्ती जल रहा था, बाद में लाल बत्ती जलने लगा और फायरिंग शुरू हो गई। उस फायरिंग में बहुत से कार सेवक मारे गए, हमारे पिताजी को भी गोली लगी थी। तो ये सब आपकी माताजी ने बताया, पड़ोसियों ने बताया, ये पूरा आपको किसने बताया था? माताजी ने बताया। ये आपकी दुकान थी? जी, कुछ थोड़ा बहुत याद भी है। अच्छा, बाकी माताजी ने भी बताया। तो ये किस चीज की दुकान थी आपके पिताजी की? है पिताजी थे तो मीठे की दुकान थी। पिताजी के ना रहने के बाद मम्मी ने कपड़े की दुकान की। और संघर्षपूर्ण तो जीवन रहा, पर आपको लगता है जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होगी तो क्या आपके मन में भाव आ रहा है? जितने भी कार सेवक बलिदान हुए हैं उनका बलिदान सार्थक हो गया, और जिस काम के लिए पिताजी हमारे गए थे वो काम सार्थक हो गया, उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होती। मन में कहीं संतोष है कि उनकी आत्मा को बहुत तसल्ली मिल रही होगी? जी, संतोष है। माताजी क्या कहती हैं? माताजी समय है नहीं, इस समय नहीं है माताजी, पर पूरे परिवार में, पर वो जब थी तब वो क्या कहती थी कि मंदिर देख लूं अपने समय में? जी, वो भी आशा में थी कि मंदिर उनके सामने ही बन जाए, और हमेशा वो भी मंदिर के लिए आंदोलन में, पिताजी के मरने के बाद भी आंदोलन में शामिल थी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है तमाम उन लोगों को जिन कार सेवकों की मृत्यु इस आंदोलन में हुई है उनके परिवारों को भी आमंत्रण दिया जाएगा 22 जनवरी को वो है। आप लोगों को आमंत्रण मिल गया है या अभी मिलना? अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला आप लोगों को आमंत्रण? पर आपको लग रहा है ये जो काम हुआ है, ये राम मंदिर वाला, ये बहुत भव्य काम हुआ है और ये होने की पहले जरूरत थी? ये काम तो बहुत अच्छा काम हुआ है, और जितने भी कार सेवक इसमें शहीद हुए हैं, जितने भी लोग इस आंदोलन में थे, सबका काम सार्थक हुआ, इससे बड़ा काम और क्या कहा जाता है।